करना शुरू हो गया, नखरेबाज बच जाता हूँ, बहुत सुना है, जा सुन, फिर ये भी सुना था ना, जा भाग जा। सनातनी है नहीं है, एक्स मुस्लिम है क्या है, फोबिक हूं, फोबिक का क्या करूं मैं, चाटू? फोबिक का भी तो कुछ विचार होता है ना, क्या फोबिक हूं, हाँ पागल हूं मैं, हाँ दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग फोबिक है, बहुत सुना था, ये भी सुना था कि नहीं साथ, हाँ इसको भी याद रखना था कि ऐसे भी ट्रीटमेंट हो जाती होती है, ये भूल गया जहां बहुत कुछ सुना था। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, कैसे हो? इस्लाम प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक ठाक मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम अली रजा भाई, एक एक, एक मिनट जरा रुकिएगा अली जी भाई, आप थके तो नहीं है, अगर आप जी जी हैं मैं आपके रेडी साथ शेडी? मौजूद हूँ, बिल्कुल एक्टिव बैठा हूँ सर। आज लगता है आपने मेरे साथ कल वाला गुस्सा निकालना जो मैंने आपको 7.5 घंटे की स्ट्रीम करवाई है नहीं कोई बात नहीं अच्छा ठीक हो गया, चले जबरदस्त। रियाज भाई वेलकम करते हैं आपको। जी जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी प्यारे भाई, वेलकम। जी 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 स्ट्रीम आपकी जबरदस्त हो गई, इससे पहले वाली भी जो मैंने देखा था जिसमें आपने वही उसको चतुर्वेदी को जो एक्सपोज किया था, तब तो मुझे तो अभी तक सब जबरदस्त चल रहा है। और अभी मैंने उस देखा था कि उसने कुछ एक नया थंबनेल डाला है। आपकी आवाज चली गई है मेरा भाई, ठीक है, यहां से आवाज चली जाती होती है, आपको नीचे पब्लिक समझा देगी मैंने क्यों आपकी आवाज चली गई है। एफ खान भाई हमारे साथ हैं जी, एफ खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मैं बात समझा दूं हमारे दोस्तों को, हमें अपडेट होती है कौन किधर क्या कर रहा है, इधर आके नए सिरे से 1000 लोगों को और नहीं बताना चाहिए, थोड़ा सा हमें समझना भी चाहिए ना कि हमारा माइंडसेट क्या है जी। आपको एक चीज पता चल गई या 50 लोगों को मैं और बताऊं कि फलां जगह पर थंबनेल लगा है, लिहाजा आप भी पहुंच जाए वहां, लिहाजा तमाशा लगेगा, क्या करें भाई? ये जितने लोग अभी आ रहे हैं सवाल करें मेरा भाई, सवाल जो है वो करें, हमारे लोग जाने अनजाने में जो है ना वो किसी और का काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ तो जो तो हमें लोग समझते हैं उनको पता चल गया होगा, आई डिड नॉट नो दैट, ठीक है फिर करवाते हैं आपको, याद आ जाएगा आपको, बेफिक्र है मेरा प्यारा भाई जी। खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, एक बात कहनी थी, जो आली भाई ने कहा ना कि जुल्फकार भाई के उनकी बिटिया की बात हुई थी, वो स्ट्रीम मैंने बहुत ध्यान से देखी है। मैं उनकी बिटिया से एक बात कह सकता हूँ भाईजान, एडम सीकर भी अगर आ जाए ना, भिगो भिगो के जूतियां अगर ना मारी ना, मैं ना अपना नाम बदल दूंगा। तौहीद पे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तौहीद के ऊपर कोई सनातनी, कोई क्रिश्चियन, कोई भी आदमी बात नहीं कर सकता इस 7 से 8 साल की बच्ची के साथ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। किसी को अगर लगता है ना तो लाइव बिठाऊंगा और वीडियो के साथ बिठाऊंगा और साथ खुद नहीं बैठूंगा, है दम करो माशाल्लाह क्या बात, मगर डिबेट वादे हाथ के ऊपर होगी। हाँ और मॉडरेटर आमिर भाई होंगे। हाँ क्योंकि देखे हमारी हमारी बेटी है, थोड़ा अली भाई आप तो चले साइड पे होंगे मगर फिर डंडा पीर भी तो साथ होना चाहिए ना थोड़ा। बिल्कुल क्योंकि ये बड़े ये हरामियों की फौज है, इनको साथ ब्रैकेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल, तो होगी आवाजें हक के ऊपर, हाँ करवा देंगे। जिसको शौक हो तौहीद के ऊपर बात करने का, या तसव्वुर खुदा अपना लेके आए मैदान में बताए, उसके ऊपर बात कर ले। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है भाई। खान भाई और कुछ? भाई दो बातें पूछनी है। जी सर हुक्म। जो भाई एक तो आपकी वीडियो, मेरा 2.5-3 साल का बेटा है मेरे साथ बैठ के देखता है, वो हमें बोलना शुरू कर दिया उसने, उल्लू का पट्ठा बोलता है भाई हमें। भाई मैं डिस्क्लेमर दे देता होता हूँ कि फैमिली के साथ बैठ के ना सुने हैं।
भाई मैं क्या बताऊं, इतनी शरारतें करता है, इतनी बातें आपकी रिकॉर्ड उसने कर ली अपने माइंड में, हम क्या बताएं, बहुत कुछ बोलता बोलने लगा। 2.5-3 साल की उम्र है अभी। बोला अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये बैक स्टेज पे भाई कह रहे हैं कि आपको इतना गुस्सा हो गया। भाई ऐसे ही होता है मेरा भाई, जब तक हमारे मुसलमान होश नहीं करेंगे कि उन्होंने जाने अनजाने में प्रमोशन यहाँ कर देनी है किसी और चीज की, उनको समझ आनी चाहिए ना। फेल्ट बैड तो फिर बैड रहो भाई, क्या करें, होश भी तो करो ना। फेल्ट बैड का मैं क्या करूं, अब क्या करूं, देखता रहूं बैठ के इसको, और आपको मौका देता रहूं कि आप इधर आके प्रमोशन करते रहे किसी की, ऐसे नहीं होता भाई मेरा प्यारा भाई। थोड़ा समझना भी है कि बस सोना है सिर्फ, या तो फेल्ट बैड, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, करते रहे, मैं इधर क्या करूं। हम इधर पूरा एक माहौल बना रहे हैं और आप आके बीच में पानी में मदानी डालें और हम डालने दें, ऐसा नहीं होता। कोई भी होगा, पानी में मदानी नहीं डालने देंगे, सिंपल। यार मेरी बात सुनो, आपको पता चल गया है आप 1000 लोगों को आके और इश्तेहार करना शुरू कर दे, वो मौलवी सी ना एक है। अच्छा ये बाय द वे खान भाई, या जितने लोग सुन रहे हैं, मैं मुल्ला में और आलम दीन में फर्क करता हूँ, ये सीधी बात है भाई, मैं पहले बोलता हूँ। तो एक मुल्ला जी थे सादे, उन्होंने क्या किया, एक प्रोड्यूसर था, उसने फिल्म बनाई, थोड़ी अश्लील थी, एक गांव में लगाने लगे, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कैसे चलाएं यार, पैसा लगा लिया, फिल्म चलानी है, कमाई करनी है, कैसे चलाएं। उन्होंने कहा ये मुल्ला जी जो है ना, मुल्ला जी बला के खतीब हैं, ओह क्या कहने, जबरदस्त, इनू 500 रुपया दो, ये मुल्ला खुद फजाइल बयान करेगा इस मूवी के। वही हुआ, तो मुल्ला जी ने तकरीर शुरू की। मुल्ला जी कहते हैं जी फलां जगह के ऊपर एक मूवी लगी है, कोई ना देखे, बहुत अश्लील है, कोई ना देखे, पहला शो शाम 6 बजे शुरू होगा, कोई ना देखे, टिकट फलां जगह पर बिक रही है, कोई ना देखे, 5-6 बीच में गंदे गाने भी हैं, प्लीज कोई ना देखे, टिकट 50 रुपए की है, कोई ना देखे, इतनी देर तक लगी रहेगी, कोई ना देखे। उधर ने क्या, वाह भाई वाह, जिंदाबाद, प्रमोशन हो तो ऐसी है जी, धर्म भी भ्रष्ट ना हुआ और मूवी के क्लाइंट्स का बंदोबस्त भी हुआ, ठीक है जी। तो भाई हम थोड़ा जोश के साथ होश से भी काम लेते हैं, सिंपल सी बात है। हम मुसलमानों को यहाँ झंझोड़ झंझोड़ कर जगा रहे हैं कि एक्टिव हो जाओ, होश कर लो, सादगी छोड़ो, ताजगी में आओ, थोड़ा मोमिन की फरासत से सोचो। तो हमारे सादा भाई हमें आके कहते हैं फेल्ट बैड, तो बस ठीक है आप बैठे रहें, हर एक का दिल तो हमारा जा राजी, अल्लाह से लोग राजी नहीं होते, मुझसे क्या होना है, सीधी बात है, मगर मैं अपने फोकस पे हूँ, जो मिशन है मैंने उससे इधर उधर नहीं जाने देना, भावे कोई फेल्ट बैड हो या फेल्ट गुड हो, मैं क्या करूँ इधर, लोग अल्लाह से राजी नहीं होते, मैं किस तरह ठेका उठाऊंगा। जी खान भाई माजरा चाहता हूँ, आप बोले। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि चैनल डिलीट होने के बाद दोबारा रिकवर हो सकता है? डिलीट होने के बाद, ओ यार उसने चूना लगाया था, चूना बढ़िया वाला चूना, चूना उसने आके कहा जी डिलीट हो गया जी सब कुछ। भाई मैंने कमेंट में लिखा कि अगर ये सुबह का बुला शाम को वापस आ सकता है तो एक आखिरी मौका देना चाहिए। मैंने उस स्ट्रीम में लिखा, फिर 7.5 घंटे की स्ट्रीम देखी मैंने, देखा मैं क्या क्या चूना लगा के गया, बढ़िया चूना लगा के गया। सुना भाई संस्कार शेख साहब आना चाह रहे थे। ओके रियाज भाई आप उतनी देर फेल्ट बैड कीजिए, ठीक है, हम जुल्फकार भाई को दे देते हैं, आप फेल्ट बैड करें उतनी देर, ठीक है। जुल्फकार भाई आ जाएं। अच्छा इसको भी साइड पे करूं यार, ये भी वेला, इससे मुझे तब से नफरत हुई है जब इसने, ये एक बंदे की बात कर रहा हूं, उसका नाम नहीं ले रहा, कोई बंदा ना समझे, यानी मैं बता देता हूं, पहली बार आपको नहीं कह रहा, AK आपको नहीं कह रहा, हसनैन आपको नहीं कह रहा, ज्ञान आपको नहीं कह रहा, सैयद मोहम्मद आपको नहीं कह रहा, अब तू समझ गया जिसे, एफ खान भाई आप तो ऊपर हैं, अब अली भाई भी ऊपर हैं, अब तू समझ गया जिसको मैं कह रहा हूं, तू जानता है
और मैं जानता हूं, अली भाई को भी नहीं पता मैं किसे कह रहा हूं, तो मैं तुझे बता रहा हूं, तू जो है ना वो मुझे पता है। अब तू मेरे पास आकर सच्चा ना हो, मैं एक सुराग से एक ही बार डसा गया हूं और उसी वक्त पता चल गया था, और अब मैं तुझे कर रहा हूं बैन, और मैं फिर बाद में ईमान यूनियन को इतला दे दूंगा कि क्या मामला क्या नहीं, ठीक है? भाग जा यहां से, चल। तो एफ खान भाई क्या कहने लगे, सॉरी जुल्फकार भाई की जगह बनानी है यार, जो मुसलमान आए अभी यार, आप स्टेज छोड़ें जी, मेरा भाई जुल्फकार भाई को आने दे, जगह बनाए। आ गया, ठीक हो गया जी। जुल्फकार भाई अहलन व सहलन जनाब जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त अमर भाई, मैं आपकी पूरी स्ट्रीम को देख रहा हूँ, माशाल्लाह, मैं तो उंगली मार मार के थक गया था, स्टूडियो फुल जा रहा था। तुसी मैनू मैसेज नहीं, अच्छा चलो अच्छा है कि अली भाई बैठे सन, मैं किनियरी के है, मतलब मैनू कॉल कर दिया करो। मजा आता है, हम भी जरा फिंगर का यूज करें ना, जिस तरह लोग यूज करते हैं तो पता चलता है कि भाई लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। सर वो फिंगर तो फिर दिल्ली में यूज होती है ना, आप इधर फोन पे तो ना करें। ठीक फरमा रहे हैं सर, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। जी जी खान भाई, आप अपनी बात रख लें, फटाफट फिर आगे बढ़ना यार। अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार भाई, आपको भी। वालेकुम अस्सलाम जुल्फकार भाई, एक मिनट जुल्फकार भाई, जरा लोगों को होश करवानी है, जगाना है, टोल दी एक बारी हो जाए, क्यों अली भाई सही नहीं? जिस तरह समीर ने मोना डार्लिंग को बजाया था ना, या सनातन को बजाया था कल, वह उतना ढोल बजाया, मुझे नहीं पता, जानते हो आप। देखे आमिर भाई से फरमाइश करते होते हैं कि आमिर भाई आज कुछ सुनाए, और वो सुनाते होते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है अमर भाई, आपकी मोहब्बत में हम ढोल बजाएंगे, चलते हैं सर, बजाते हैं एक गुड़ दीजिए। देखना कहीं ढोल बजाने के चक्कर में आंटी पुलिस ना बुला ले कहीं। नेट, हाँ चलें जी। लो जी, हम स्टार्ट करने वाले हैं सर जी। सर नजर नहीं आ रहा, लाइट आ रही है उधर से, फ्लैट पड़ रहा है, जरा ढोल भी तो सामने लाया ना जी। ओ फिर मुझे ढोल भी आना चाहिए जी। जी सर, ढोल। लो जी, ये ढोल है। लो जी, इस्लामोफोब्स की चिता के ऊपर ढोल बजने लगा है जी। आहा, 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 आहा। जबरदस्त, क्या बात, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात होगी, जबरदस्त जबरदस्त जी। इसके ऊपर जी, इसके ऊपर ये क्लिप बनता है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर हेडफोन्स के साथ। जरा, दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। जी मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली, आओ ना बेबी चुदा, आओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 ईयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम, मेरा
आई कैन शो टू एवरीबडी एंड आई कैन थ्रो ऑन देयर देयर फेस। ये दारू की चीटी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे। यू आर नॉट केपेबल टू जज मी, यू आर नॉट केपेबल टू जज मी। मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगा बन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोर है ना, हम तो चोर देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है मिस्टर। अबे तो चिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो चिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो चिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। लो जी, जुल्फकार भाई ने सनातन ड्रम बजा दिया है आज, वेरी गुड, ठीक हो गया। जी अली भाई, कुछ कहना चाहेंगे जुल्फकार भाई के टैलेंट के ऊपर? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, इतना जबरदस्त ढोल बजता हुआ तो मैंने पहले भी कभी फील नहीं किया जितना जुल्फकार भाई के बजाने पे फील किया है। बड़ा जबरदस्त, क्या बात है, यकीन करें मजा है। एक्चुअली वो बिल्कुल, वो छोटा बेटा है ना, उसको शौक है ना, तो वो फिर तकरीबन मैंने कल शुरू किया थोड़ा सा, मैंने कहा चलो चेक तो करिए कैसे होता है, वो बज ही गया, फिर मैंने कहा चलो बजा देते हैं। सही है जी, ये जब भी तीर मोरी में जाया करेगा आप ढोल पकड़ के बस दबा डब 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 डब। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो फिर ऐसा ही है ना, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। आपने इनके दिलों पे चोट लगा दिया है आमिर भाई, यकीन मानिए ये पढ़ रहे हैं, ये बिलबिला रहे हैं, यकीन मानिए इनको बड़ा गुस्सा है आप पे, मैं ये आपको बता दूं। तो आप अपना, मेरा ख्याल है कोई जो है ना वो डिफेंस वगैरह कर ले, कोई सिक्योरिटी गार्ड गार्ड वगैरह, क्योंकि जितना ये बिलबिला रहे हैं ना, यकीन माने इनके पिछवाड़े से जो है ना पेचस लग गया इनको, हाय 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 हाय। तो बहरहाल अगेन सर, आपको जो है वो बहुत ज्यादा मुबारक हो, आमिर भाई आपको, अली रजा खुर्रम साहब आपको, कि आपने जो है वो काफी जो है मेहनत की है, अल्लाह ताला जजाए खैर दे, इंशाल्लाह इनकी व्यूअरशिप भी बहुत गिरेगी। और जिस तरह ये इन्होंने आपने कर दिखाया ना, अब समय लगेगा इसको उठते हुए। और जो चतुर्वेदी है ना, ये तो किसी शूद्र की टट्टी से भी जो है निकम्मा बंदा है, खच बंदा है, उधर की टट्टी बेहतर है इससे, ये जो टकरा है। बहरहाल और टट्टी भी, और टट्टी भी, टट्टी भी फ्रेश नहीं, एक हफ्ते पुरानी जी, बिल्कुल। ये इतना बदबخت काला बंदा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी इसको इसका गुस्सा था कि इसकी बियर क्यों चोरी हो गई यार, दसो यार, उसने पी लिया तो क्या फर्क पड़ा यार, उसने जमाने को बता दिया, उसने डेट प्लान की हुई थी रात को कि बियर पीऊंगा, नागेट डांस सुनूंगा, ठुमके लगाऊंगा मोना डार्लिंग के साथ, ये चुक के उतर ला गया, मैगी का एक पैकेट पड़ा था वो भी खा गया। अब तुफैल चतुर्वेदी की अगली पेमेंट आनी थी वीकेंड के बाद, बियर घटक गया ये, और कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली। तुफैल चतुर्वेदी खड़काता रहा है कि यार एक कतरा ही दे दे तेरी मेहरबानी, ठीक है जी ना, इसने कुंडी नहीं खोली, गुस्सा ये है। एक बात और अमर भाई, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसने तो बहुत बातें की हैं लेकिन आपने अभी बताई नहीं है लोगों को जो है ना, ये भी आप यार, ये अली भाई ने भी, वरना पर आप खोल देंगे ना तो तूफान आ जाना था वैसे। यार ये गलत है, ये गलत है, ये अली भाई ने भी पहले ये बात आपने भी कर दी है यार, ऐसे ना करें, कुछ चीजें मैंने वक्त के साथ अनफोल्ड करनी है। अली भाई ने भी पब्लिक में ही कह दिया, आपने भी पब्लिक में कह दिया, ये काम खराब है, ऐसे नहीं, ठीक है, उसको करेंगे तसली से, आस्ता आस्ता करेंगे, अभी उसको कर लेना ना खुल के, ताकि सनातनी, मैं चाह रहा हूँ सनातनी की भीड़ इकट्ठी हो इसके पास, शौक पूरा करें, तब मैं फिर उसकी वो रिकॉर्डिंग निकालूं तो उसने मेरे साथ बात की है ना, तब, ताकि सनातनियों को पता चले कि जिसकी जे जे कार हम दोबारा करने शुरू हुए थे उसने हकीकत में मुझे बताया क्या क्या हुआ है। तो पता तो तब चलेगा ना जी, तो पता हम तब खेलेंगे, राज की बातें हैं ये, तो सीधा सीधा सर जेल जाने वाली बातें हैं। तो फैल साहब आप अपना ना अपना साइज बना ले हथकड़ी का, हथकड़ी नहीं इसको पटा डलेगा, हथकड़ी इंसानों को डलती है, इनू पटा पवेगा, और पटे का भी साइज होना चाहिए ना, खोते का खोर वो तैयार है पहले से ही, इसी को देख के तो फांसी का नाप भी तो किसी की गर्दन पे बनता है ना, वो इसकी पे बनता है, मोटी गर्दन है इसकी। अच्छा खान साहब हमारे साथ हैं, खान साहब की बात मुकम्मल कहते हैं, 30 सेकंड मुझे दे दें उनको, देख के फिर आगे बढ़ते हैं जी।
आमिर भाई पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा जी, भेद दिख जाएगा, पर्दा खुल तो पहले गया हुआ है हाँ दिख जाएगा। चलिए अच्छा जी, जुल्फकार भाई तुहाडी एक एक थाप इन्हां दी मोहरी नूं लाल कर बैठी जे एक एक थाप ते उन्हां दी मोहरी चंगी तरह लाल होई जे बस आही दो गल्लां कहणी। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। खान साहब जी हमारे साथ थे, रिहाज भाई दोबारा आए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे फेल्ट बैड, रियली बैड हो गया है, तो उनको रिहाज भाई को ले लेते हैं और अपने भाई को समझा देते हैं कि भाई जी, भाई रिहाज भाई कुछ कहना चाहते हैं जी। इस्लाम सॉरी आमिर भाई, मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने टाइप कर कोई, कोई, कोई बात नहीं, कोई बात और नहीं। और आप गुस्सा कर सकते हैं, आपको मेरे बड़े भाई जैसे। लव यू मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, अंडरस्टैंड करना है टीम वर्क को। आपने बैक स्टेज कर दिया ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप, ये नहीं लगे कि आपको कोई गलत फहमी हो जाए, लेकिन मैं समझ गया क्योंकि आप मुझसे ज्यादा मैच्योर है, तो हम छोटे हैं ना, तो हमको कोई कोई चीज क्लिक नहीं होती, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जो बरल आप कोई और बात कर रहे हैं वो कर लें, मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप मेरे भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, बड़े भाई की बात का बुरा नहीं मानते ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सॉरी हाँ मैंने इसीलिए आपको उतार दिया कि इससे पहले आप आगे बोलते तो वो बात बीच में रह जाती। जी जी जी, नहीं दरअसल मुझे पूछना था कुछ, लेकिन जब आपने हटा दिया तो फिर मैंने सवाल ही कैंसिल कर दिया, और मैं समझ सकता हूँ आप कौन से हिसाब से क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए मैं खामोश हो गया, इसलिए मैंने आपको प्राइवेट चैट में लिख दिया, और मैंने प्राइवेट चैट में आपको एक शायरी लिख दी है आपके लिए। मेरे लिए क्या लिखे है, किधर लिखी है प्राइवेट चैट में, मुझे नहीं नजर, एक मिनट, इसलिए तो रात में लगा था, मुझे पता एग्जाम है ये। अच्छा पता नहीं क्या लिखा है, मुझे देखने दे, एक मिनट मैं फोन से जरा। आप सनातन नहीं इस्लाम है, सनातन नहीं आमिर भाई, सनातनी नहीं इस्लाम है ये, संडास तूतल वेदी, इसीलिए तो रासलीला के लगते मुझ पे इल्जाम है ये। ठीक हो गया, जबरदस्त, चले जी, गुड हो गया, गुड हो गया, चले अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और हमें माफ फरमाए कि अगर मेरी तरफ से कोई दुख पहुंचा हुआ आपको मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, आप बड़े मुझसे, आप माफी मत मांगिए, आप अच्छे के लिए मुझे किए थे, तो एक तरीके से आपने मुझे करेक्ट किया, मुझे अच्छा भी लगा, शुक्रिया, थैंक यू। और अपना ख्याल रखिए और इसी तरह शेर की तरह दहाड़ते रहिए, ताकि आपकी जो रोर है उससे इनकी जो पैजामे गीले होते रहे ना, तो सही है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू, अल्लाह। रियाज भाई थे जी, बड़े प्यारे हमारे भाई थे, और शुक्र है कि वो माशाल्लाह समझदार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने दिल पे नहीं लिया, अच्छा लगा, अपनापन फील हुआ। तो हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें, और टीम के साथ मिलकर हमने चलना है, हम एक टीम है, एक एक बाजू, एक मुठ होकर, एक जान होकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम इस तरह फील करेंगे तो आपको फर्क फील हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और ये जो तब्दीली आपको फील हो रही है ना, ये तब्दीली इत्तेहाद की वजह से है, ये इसी यूनिटी की वजह से है, इसमें किसी फर्द का, अकेले का, फर्द वाहिद का कोई कमाल नहीं है, ठीक है ना, टीम ही सब है, तो ये मिलके माशाल्लाह चल रहा है, तो इस तरह अच्छा चलेगा। यार हमारे एक भाई हैं, वो कह रहे हैं जी बहुत देर से मैं जो है ना वो इंतजार कर रहा हूँ, कहते हैं सुबह जॉब पे जाना है तो मुझे आप ले लें पहले, उनको ले लेते हैं, बस ये आखिरी चंद कॉलर इंशाल्लाह चल रहे हैं, इसमें अगर कोई हैवी किस्म का सवाल आ जाता है तो चलो अच्छा रहेगा जी। पहली बार आया प्यारा हिंद जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, मेरी आवाज आ रही है सही से? जी जी, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद इधर में, आमिर भाई बस इसलिए आया था कि दुआ सलाम कर सकूं, और जो है ना मैं को सिर्फ एक कितनी बात कहना चाहता हूँ कि वो बजात इंसान को आप स्ट्रीम में लिया ही ना करें, जो समीर है ना उसको ना लिया करें। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया, मैंने कल वाली आपकी स्ट्रीम। जी जी ठीक है, चलिए मैं इंशाल्लाह। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलाम। अच्छा जी, कोई सवाल वगैरह दोस्तों के हैं वो करें, दुआएं, सलाम, हालचाल, ये आपको नजर आ रहा है जुल्फकार भाई ने ढोल बजाया,
इससे बेहतर हालत और क्या होगी। आपको अभी भी नहीं पता चला कि हम कितने मजे के अंदर हैं, ठीक है। तो हालचाल वगैरह जो दोस्त हैं वो टाइम अपना भी बचाएं, हमारा भी बचाएं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, ये कोई प्राइवेट रूम तो नहीं है जिसमें आप आएंगे तो बैठ के जितनी देर बात हुई, ठीक है, लाइव स्ट्रीम है, इसका एक मकसद है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो जरूर है। ज्ञान सिंह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु प्यारे भाई जी। इससे पहले मैं आमिर भाई आया था एक बार यासिर नदीम साहब के इस पे, तो उस समय मैं बात नहीं कर पाया, तो उस वक्त पहली बार था तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था आपसे। आपसे एक बात मतलब पर्सनल बोलना है और उसके बाद एक जो है थोड़ी सी बात अपनी रखनी है। जी मैं बोल सकता हूँ? जी जी बोलें भाई बोलें, अब आपकी आवाज आ रही है, मेरे पास चली गई थी, मसला हो गया था। मैंने कहा भाई क्यों मुझसे क्यों डर लग रहा है भाई, ऐसा ना किया करें। नहीं नहीं डर नहीं लगा, मतलब पहली बार था ना तो इस वजह से थोड़ा सा। जी मतलब बात ये बोलनी थी आपको, आई लव यू एक छोटे भाई की तरफ से। आई लव यू टू, आई लव यू टू मेरा भाई, आई लव यू टू, ठीक हो गया बस। जी जी और एक बात ये बोलनी थी कि जो लोग स्ट्रीम वगैरह करते हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट मतलब बोलूंगा, और वो लोग जो स्ट्रीम करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो लोग कोई भी चीज़ बताते हैं तो उसमें जैसे अगर किसी भी चीज़ को मुखातिब करना हो, मुखातिब अगर किसी चीज़ को करना हो तो फिर वो अरबिक वर्ड यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मतलब अपनी तरफ से उन्होंने कुछ मिलाया या कुछ बोला तो वो फिर बोलेंगे ये इस्म फाइल का है, ये इस्म फेल का है, ये मतलब और भी कई सारे जो आते हैं इस्म की जो किस्में हैं वो सारी चीज़ें लेकर के बताएंगे, अच्छा ये यहाँ पे ये ऐसा फिट होगा, वो वहाँ पे फिट होगा। ये मैंने मुझे कई बार जी जी ये मैंने कई बार जो है स्ट्रीम पे कई लोगों के जा करके जब सुना, मैंने कई बार सुना तो उसने कहा कि अगर ये चीज यहाँ पे ऐसे हुआ है तो ये इसमें फाइल लगेगा, यहाँ पे इसमें फेल लगेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे, मतलब अगर उसको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना होता है तो वो भी इसी अरबिक वर्ड का, इसी इस्लामिक वर्ड का ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? मुझे सही बात है समझ ही कोई नहीं आई। अपना ख्याल रखिएगा मेरा भाई, ठीक है? ओके मुझे नहीं समझ आई, मेरा अल्लाह गवाह है मुझे नहीं समझ आई। अपना ख्याल रखें, थैंक यू मेरा भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यार कोई सवाल हमारे लेवल का लाएं, ये पीएचडी लेवल के सवाल मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा सैयद मोहम्मद भाई हमारे साथ हैं, आखिरी चंद कॉलर चल रहे हैं जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सैयद, वालेकुम सलाम जी नुमान भाई, वेलकम जी। जी आ रही है, मेरा सवाल है, मालूम नहीं कि ये सही रहेगा इस स्ट्रीम पे ऐसा बोलना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि अहले कुरान बल्कि एक फिरका है, तो बहुत मेरे को ऐसा लगता पर्सनली कि आपको कौन अहले कुरान, पूरा कौन जी, कौन अहले कुरान, कौन है सर? एक वो फिरका है जो हदीसों को इनकार कर रहा है, कैसे सर? तो मुनकर हदीस का है ना, मुनकर हदीस का है, अहले कुरान क्या है? अहले कुरान तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। नहीं नहीं वैसे नहीं सर, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं, वो नाम हदीस का खेल रहे पर, जी, फर्क समझे, सुने जरा और सुने 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 नाम किसी भी ग्रोह का वो लेना है जो डिफरेंशिएट कर सके उनमें और हम में, ठीक है। इसको कहते हैं अरबिक जुबान के अंदर हद्दे ताम या अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। वो अहले कुरान या कुरानिस्ट ये वो झूठ बोलते हैं, उनको ना अहले कुरान कहना चाहिए ना कुरानिस्ट कहना चाहिए। क्यों भाई? वो तो हम भी हैं, क्या हम कुरान को नहीं मानते? मानते हैं, कुरान को हम भी मानते हैं, तो हम भी अहले कुरान हुए फिर, तो फर्क क्या करेगी उनमें चीज? वो है मुनकरे हदीस, मुनकरीने हदीस, ये उनका प्रॉपर, उसमें शर्म भी नहीं करनी चाहिए, इनकार करते हैं ना हदीस का, तो दिक्कत क्या है बोलने में? तो वो मुनकरे हदीस है, हम हैं मुसलमान, वो मुनकरे हदीस है, सिंपल। इस पर दो प्रोग्राम्स मैंने किए हुए हैं, इनकारे हदीस और रोड टू एथिज्म, उस पर मैंने दो प्रोग्राम एपिसोड वादे लाइव पर पड़े हैं, एक प्लेलिस्ट में देख लें जाके आप,
उसमें मैंने उनके बेसिक एतराजात के जवाब दिए हैं, उसमें मौका दिया था कि आके बात करो, एक दो बंदे आए थे, उसके अलावा कोई आया।